यानी का दलिया बनाओ जाओ मिल ले जाओ कोको ये तेल लिए दलिया का पैकेट ले लो पैकेट दे दो इसे दे दो तो ये है दलिया जिसे हम आज बनाएंगे तो प्रशांत खाएगा तो एक सीटी लगा देंगे और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे घी डाल दिया है और ये दलिया भी डाल दूंगी क्योंकि भुना हुआ आता है एकदम साफ शुद्ध बढ़िया आता है ये देखिए तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा घी जिससे इसमें थोड़ी चिकनाहट रहे और हमारा जो दलिया है वो कुकर में चिपके ना तो और थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो चलिए एक सीटी लगा देते हैं और कुकर का मैं ढक्कन बंद कर दिया ये देखिए स्लेट रही है थक गया अब खेलती खेलती और तो ऐसा काटे प्याज लहसुन और टमाटर क्योंकि बैंगन का भरता बनेगा अब सुबह में खाने के लिए हमारा दलिया बढ़िया तरीके से रेडी है इसे रख देते या है ज्यादा काम करना हमें ना करना है, ये सारे काम कर लेगी देख लिया हमने तो अभी कुछ ना करा आटा मांड के रख दिया है दलिया बना दिया है निशा आलू बैंगन की सब्जी बना रही है और सुबह सुबह चार रोटी निकाल लिया क्योंकि आज किसी का आज किसी का श्राद्ध नहीं है और चौथा दिन श्राद्ध का तो बस करेंगे काम अपने सारे और यहाँ पर बना रही मैं रोटी चार रोटी मैंने बना दी है और आटा मेंटीपन में रख लिया है और ये रोटी सेकने जा रही हूँ और ये तवा थोड़ा हल्का है इसलिए मैं इस पर रोटी सेक देती हूँ फटाफट सेक जाती हैं योगा कोको सो गई है उसका खाना भी रख दिया है दलिया भी पोहा भी पोहा बनाया आज उसके लिए इधर किसान जो लगा रहा है वॉशिंग मशीन ही पे रखी है और ये चार रोटी जो बनाई थी ना मैंने चीनी के दाने रख दिए तो प्रशांत ने पानी फिरा दिया है प्रशांत ने लिया है आज दूध में दलिया और क्या गिर रहा है शक्कर तो शक्कर बहुत अच्छी लगती है और हमारी शक्कर ना काली हो गई है रखी रखी देखिए जितनी पुरानी उतनी बढ़िया हाँ और कोको देखिए कैसे सो गई है एकदम थक चुकी है बिल्कुल और आराम से पंखे की हवा में लौट रही है अभी से कुछ नहीं पता और इधर तो ऐसा कर रही है एक्सरसाइज की दलिया है और एक है इसका उपमा तो आज थोड़ा सा अलग खवाया गया है उपमा और दलिया और देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने खा लिया है और तरीके भी सही हैं हल्का एक बेल्ट लटका ले गले में एक बेल्ट गले में लटका के ये है लॉक वाला ताला खुल गया अमेजोन से मंगाया हुआ लॉक और हो गई है अनबॉक्सिंग जो कोको ने कर दी है फाड़ कर चलो भाई तुम लगे रहो अपने काम में मैंने तो दलिया खाया बड़ा अच्छा लग रहा दूध में डाल के चीनी डाल ली तो गर्मी हो रही है बहुत तेज तो इसलिए पेड़ों में पानी दिया जा रहा है देख सकते हैं और आज टंकी भी जो है यहाँ पर साफ़ करी जाएगी क्योंकि बहुत दिन हो गए टंकी साफ़ नहीं करी है विवेक खड़ा है टंकी साफ़ करने के लिए तो थोड़ा सा पानी टंकी में तो हम यहाँ पर पौधों में इस तरह छिड़क देंगे नहीं तो हम बाल्टी से डालते हैं ज़्यादातर मग्घे से पानी डालते हैं और देखिए यहाँ पर हमारा ये मनी प्लांट और उसके पत्ते बड़े बड़े और ये गुड़हल के फूल और पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये वाओ पानी
पानी वेस्ट ना करते हुए जो टंकी में थोड़ा सा पानी रखा था उसने हम है यहाँ पर सारा अपना चौतरा धो दिया है। और देखिए बहुत दिनों में धुआ है, ज़्यादातर बारिश का पानी ही इतना ज़्यादा बरसा है तो उससे बहुत धो जाता है। आज टंकी खाली करने के लिए यहाँ पर सारा धो दिया और सफाई भी रही हुई है नवरात्रों की। कोको इधर आओ, इधर आओ, देखो पछुतम के शिवम किस्म दामोदरम, पछुतम के शिव किस्म दामोदरम, राम राम नारायण जाने की बल्लव। अरे कैसे लौट रही है, सो जाओ सो जाओ मुझ के। पहले तू तो देख जा, तो यहाँ पर जो है टंकी थोड़ी सी फूट गई है, देख सकते हो उधर थोड़े से, और जो गंदगी है उसे साफ कर देगी क्योंकि एक साथ जाएगा। कोको ले आओ, अभी तुम देखो, बोलो मत। कोको ले आओ, आजा। तो चलिए गंदगी हो रही, चल ना मुझे दया, बहुत ज्यादा गीला हो रहा बेटा। नहीं ना ये पंद्रह दिन से पानी गंदा हो जा रहा है। चल चलो साफ सफाई करो। हाँ बाहर चलो, अच्छे से साफ करके ना सरपते। ये कोको मेरे पास, कोको दे इधर, देखो कोको, देखो भाई देखो देखो भाई, देख रही है कोको। तो चलिए मैं यहीं पे खड़ी हो जाऊंगी इनके पास और यहीं देखती रहूंगी इन्हें, ये टंकी साफ कर रही दोनों मैन भैया। और चलो भाई यहाँ पर लिए मैंने हरी मिर्च एक पाव, टमाटर अदरक लिए एक पाव, और एक पाव ली है यहाँ पर सेम की फली, ग्वार की फली, और ये गोभी है आधी किलो, और यहाँ पर पास्ता, और ये है मंगोड़ी, और ये है यहाँ पर ये है लिज्जत पापड़ एक पैकेट, और यहाँ पर भी लाएंगे मैं कुछ सामान, मैगी वगैरह है, ये पास्ता है, ये देखिए। तो मैंने बहुत सारा सामान किचन का लिया है, ख़त्म हो गया था, और ये है मैगी मसाला, और कुछ मैगी मसाले इसमें हैं पैकेट में। ये है सेमिया, तो जैसे दूध में डाल के बना लो, और ये है खुले जवा, ये भी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने एक किलो ले लिए हैं। तो चलिए सेम भी बनाएंगे दूध, क्योंकि घी डालकर खिचड़ी अच्छी लगती है। चलो बढ़िया एकदम। तो चलिए भाई सबके लिए खिचड़ी घाल ली है, आलू बैंगन की सब्जी रखी है, तो तन सक पापा खान रोटी खाएंगे, मैं रोटी बनी रखी है, फिर शांत खाएगा रोटी। तो दिखा रही हमारी जमीन है,